दोस्तों देखिए, ये गेंदे का फूल का साइज देखिए और पौधा देखिए, ये भी फूल देखिए कितना अच्छा फूल आया है। और आप ये बगल में ही देखिए, ये मेरा डहेलिया का पौधा है, ये देखिए कली बन रही है और इसकी पत्तियाँ कितनी हेल्दी हैं। दोस्तों देखिए, मेरे बैंगन का पौधा कितना अच्छा फल लगा हुआ, कितने बड़े साइज़ का फल है, और बगल में भी सब फल फूल से भरा हुआ बैंगन का पौधा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मेरा गुलाब का भी फ्लावरिंग देखिए कितना अच्छे फूल लगे हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको एक किचन के वेस्टेज से फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने की एकदम से नई विधि, नया तरीका बताएंगे। दोस्तों, मेरे बताए तरीके से किचन वेस्टेज की खाद बनाइए, बहुत बढ़िया खाद बनती है और तमाम लाखों की संख्या में माइक्रोवेव से परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमने खाद तैयार किया है, ये देखिए, ये किचन वेस्टेज की खाद तैयार है। यह फल के, फूल के, सब्जी के, ये सारे पौधों में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, यह फर्टिलाइज़र पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, नेचुरल है और इसमें प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र में कैल्शियम और सल्फर, मैग्नीशियम ये मिलेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को हम बनाने की विधि आपको शेयर करेंगे। आप इस फर्टिलाइज़र को किसी भी पौधे में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को बनाने में आपका एक रुपया भी खर्चा नहीं लगना है और इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारे फर्टिलाइज़र बनाने की ये प्रक्रिया चालू है, ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र बनाने की हमारी प्रक्रिया चालू है। ये हमने एकदम से, ये देखिए, पेस्ट बन चुका है। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को बनाने में हम क्या करते हैं, दोस्तों देखिए, कोई इस तरह का, ये हमने 10 लीटर का गमला लिया है और इसमें हमने करीब 5-6 लीटर पानी ले लिया। 5-6 लीटर पानी लेने के बाद हम इसमें क्या डाले हैं, दोस्तों इसमें हम इस्तेमाल करते हैं किचन वेस्टेज। अब किचन वेस्टेज में जो मुलायम चीज़ें हैं, जो आसानी से गल जाती हैं, इसमें पालक की पत्तियां हैं, गोभी की पत्तियां हैं, गोभी के डंठल वगैरह जो कड़ी चीज़ें हैं, उनको हम इसमें नहीं डालते हैं, अलग कर देते हैं। तो दोस्तों, सब्जियों के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, मटर के छिलके हैं और जो साग वाली सब्जियां हैं, बथुआ है, पालक है, गाजर है, धनिया है, मूली है, हमने इनकी पत्तियों को डाला है। दोस्तों, इसमें हमने मिलाया है फल के छिलके, नींबू के छिलके हैं, संतरा के छिलके हैं, सेब के छिलके हैं, अनार के छिलके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 5-6 लीटर पानी लिया और 5-6 लीटर पानी में 5-6 किलोग्राम की मात्रा इसमें हमने डाल दिया है वेस्टेज का। बनाना पील के भी वेस्टेज हैं। तो इस तरह से फल के, फूल के, सब्जी के, हमारे किचन से जो भी वेस्टेज निकलते हैं, बराबर मात्रा में पानी और उतनी ही मात्रा में छिलकों को डाल दीजिए। दोस्तों, इसमें और भी दो सामान डालना है और वो भी दोनों फ्री का है। तो अभी हम उन दोनों सामान के विषय में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल में दोस्तों देखिए, ये फर्टिलाइज़र हमारी बन के तैयार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि यदि आप मेरे वीडियो ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह से एकदम से गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाता है। इस पेस्ट में हम आपको आगे बताएंगे कि हमने इसमें दो सामान और क्या मिलाया है। उससे पहले इसके आगे की प्रक्रिया आपको बता दें। ये देखिए, आपके सामने ये 10 दिन का रिजल्ट है। ये 10 दिन के में इस तरह का पेस्ट बन के तैयार होता है। जो भी पत्तियाँ होती हों, पील्स होते हैं, ज़्यादातर गल जाते हैं, जो नहीं गलते हैं उन्हें हम छान के बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो आगे की प्रक्रिया है, इसको हम इस तरह से छानेंगे। देखिए, कोई इस तरह की छननी लेकर के हम इस फर्टिलाइज़र को छानते हैं
ताकि जो सब्जी के फल के फूल के छिलके अभी डीकम्पोज नहीं हुए हैं वे बाहर निकल जाएं, क्योंकि अगर उनको हम गमले में इस्तेमाल करेंगे बिना कम्पोज हुए तो हमारे पौधे में फंगस लगेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम ये छान लेंगे। दोस्तों देखिए छानने के बाद अभी एकदम से गाढ़ी ये लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार मिली है। दोस्तों इसमें हम 5 गुना पानी मिलाएंगे और पानी मिला करके इस्तेमाल से पहले इसे इस तरह से डाइल्यूट कर लेंगे। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को हम अपने फल के फूल के सब्जी के सारे पौधे में, ये हमारी 5 किलोग्राम जो किचन वेस्टेज था उससे ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र कम से कम 10, 10, 20, 5, 25 ये 25 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसकी 1-1 लीटर की मात्रा हम कम से कम अपने 25 गमलों में डालेंगे। दोस्तों देखिए ये मेरा गुलाब का पौधा है, 1 लीटर की मात्रा हमने यहाँ पे डाल दिया। दोस्तों ऐसे ही देखिए ये गमले में लगा हुआ मेरा अमरूद का पौधा है, पौधे देखिए पौधा कितना हेल्दी है, ये देखिए 1 लीटर की मात्रा हमने यहाँ पे डाल दिया। तो दोस्तों आप फल के फूल के सब्जी के सारे पौधे में इस्तेमाल करिए, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगता है। दोस्तों इसका प्रोसेस जो हम बता दें आपको कि पहले किसी बर्तन में पानी लेंगे, पानी में जो भी आपके पास छिलके अवेलेबल हैं आलू गाजर धनिया पालक छिलके पत्ते हरे किचन वेस्टेज जो भी मिलते हैं पानी में डाल दीजिए। इसको 10 दिन तक फर्मेंट होने के लिए रखिए और छिलका और पानी डालने के बाद आपको 2 सामान और इसमें ऐड करना है। आपको 1 डालना होगा, अगर छिलके की मात्रा 5 किलोग्राम है और पानी की मात्रा 5 किलोग्राम है तो इसमें आपको 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट डालना होगा। वर्मी कंपोस्ट डालिए, या वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो सड़े हुए गोबर की खाद भी आप डाल सकते हैं। और आपको जो दूसरी सामान डालना है तो इसमें 100 ग्राम अनफर्टाइल सॉयल, ऐसी मिट्टी जहां पर किसी कभी भी केमिकल खाद का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो ऐसी मिट्टी आपको कहीं किसी पीपल के पेड़ के नीचे बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ खेती नहीं होती है ऐसी 100 ग्राम मिट्टी आप अनफर्टाइल ऐसे जगह से ले लीजिए। तो इस तरह से 5 किलोग्राम किचन वेस्टेज, 5 लीटर पानी, 100 ग्राम बर्मी कंपोस्ट या सड़े हुए गोबर की खाद और 100 ग्राम मिट्टी मिला करके इसको 10 दिन तक छोड़ दीजिए फर्मेंट होने के लिए। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र में माइक्रोवेव्स सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इस फर्टिलाइज़र का आप जहाँ कहीं भी इस्तेमाल करेंगे आपके पौधे बहुत हेल्दी अच्छे स्वस्थ रहेंगे, उनमें अच्छी ग्रोथ होगी तो अच्छी कली आएगी, अच्छे फूल लगेंगे, अच्छे फल लगेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये आपको हमने किचन वेस्टेज से खाद बनाने की एकदम नई टेक्निक बताया। यह टेक्निक जो हम खेती में हरी खाद बनाते हैं और हरे पौधों को जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं ये उस टेक्निक से मिलती जुलती है, गार्डन के लिए बहुत बेस्ट तरीका है। इस तरह से किचन वेस्टेज की हरी खाद बनाइए और अपने पौधों को हरा भरा रखिए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।